इस वीडियो में हम कोटा लोकसभा क्षेत्र से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो कोटा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर तीन नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है भवानी सिंह राजावत। हम आपको बता दें, भवानी सिंह राजावत लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र कोटा से 2008 और 2013 में दो बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में कोटा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी भवानी सिंह राजावत को टिकट दे सकती है। इसके बाद दूसरा नाम है प्रहलाद गुंजल। हम आपको बता दें, प्रहलाद गुंजल एक बार कोटा नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर 2013 में विधायक बन चुके हैं। हालांकि प्रहलाद गुंजल पिछले दो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब 2024 में प्रहलाद गुंजल कोटा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। इसके बाद तीसरा नाम है ओम बिरला। हम आपको बता दें, ओम बिरला वर्तमान में कोटा लोकसभा क्षेत्र से ही भाजपा के सांसद है। इसके अलावा ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर भी है। हालांकि 2024 में ओम बिरला का कोटा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी इस बार टिकट काट सकती है, लेकिन फिर भी लोकसभा स्पीकर होने के नाते ओम बिरला 2024 में कोटा लोकसभा से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कोटा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चार बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है राम नारायण मीणा। हम आपको बता दें, राम नारायण मीणा कांग्रेस के टिकट पर कई बार विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा राम नारायण मीणा कोटा लोकसभा क्षेत्र से 1998 में सांसद भी बन चुके। 2018 में राम नारायण मीणा पीपलदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पीपलदा विधानसभा क्षेत्र से राम नारायण मीणा का टिकट काटा जा चुका है। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि 2024 में कोटा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी राम नारायण मीणा को लोकसभा का टिकट दे सकती है। इसके बाद दूसरा नाम है राखी गौतम। हम आपको बता दें, राखी गौतम 2023 में और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर कोटा दक्षिण से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि दोनों बार ही राखी गौतम विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में राखी गौतम कोटा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद तीसरा नाम है शांति धारीवाल। हम आपको बता दें, शांति धारीवाल पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में शांति धारीवाल कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक है। इसके अलावा 1984 में शांति धारीवाल कोटा लोकसभा क्षेत्र से एक बार सांसद भी बन चुके हैं। शांति धारीवाल ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए कोटा में बेहतरीन तरीके से विकास कार्य करवाए थे, इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी कोटा लोकसभा क्षेत्र से शांति धारीवाल को भी टिकट दे सकती है। इसके बाद चौथा नाम है चेतन पटेल कोलाना। हम आपको बता दें, वर्तमान में चेतन पटेल पीपलदा विधानसभा क्षेत्र कोटा से कांग्रेस के विधायक है। चेतन पटेल एक युवा नेता है, जिसकी हाड़ौती क्षेत्र के युवाओं के बीच में अच्छी खासी पहचान है। इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है कि चेतन पटेल को 2024 में कोटा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी टिकट दे सकती है। इसके अलावा 2024 में कोटा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी के टिकट किसको मिलने की संभावना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।